मोस्ट वेलकम। डेली फाइव वर्ड सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर बार की तरह हम फाइव वर्ड्स डिस्कस करेंगे और फिर इनका टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए पहला वर्ड डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है ओपेसिटी। देखो, इसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने ऐड की है। पीएम केयर्स फंड ओपेसिटी रिस्किंग लाइव्स। पीएम केयर फंड्स की जो अस्पष्टता है, मतलब उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो जीवन के लिए खतरा है। मतलब एक तरह से आपको पता है, जो पीएम केयर फंड बना था कोविड में, उसके बारे में किसी को पता नहीं कितने पैसे आए नहीं आए। तो उसी से हम ये वर्ड उसी से है ये वाली हेडलाइन, कि उसमें एक तरह से ओपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी में, द क्वालिटी ऑफ लैकिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसल्यूशंस। एक तरह से कोई भी चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंट की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की, या एक तरह से बिल्कुल अस्पष्ट है। तो इसका हम अपोजिट देख सकते हैं, क्लियरिटी इसका अपोजिट विपरीत अर्थ हो जाएगा। और एक वर्ड और होता है ओब्सिक्योरिटी, OBSECURITY, ये भी इसका सिनोनम है। आगे वाला वर्ड देखिए, इसमें देखो तीन वर्ड है। ये भी कोई पेपर की हेडलाइन है या फिर कोई न्यूज़ है। देखो, फ्रेक हेलस्टॉर्म ब्यूरीज कार इन मैक्सिकन सिटी। मैक्सिकन सिटी में एकदम से जो ओलावृष्टि हुई, उन्होंने कार्स को क्या कर दिया, एक तरह से अंदर ब्यूरी कर दिया। ब्यूरी मतलब दफना सा दिया, मतलब एक तरह से कारें उसके अंदर समा गई। तो फ्रेक का मतलब होता है अचानक से, वेरी अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑफ सिचुएशन। जैसे मान लो अभी हम बैठे हैं और घंटे भर में इतनी भयंकर बरसात हो और यहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाए, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रेक। क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसकी किसी ने आशा भी नहीं की थी, वो चीज़ हो जाए। द टीचर से द एक्सीडेंट वाज ए टोटली फ्रेक। कि एक्सीडेंट क्या था, टोटली, जैसे कि आपको पता है एकदम से एक्सीडेंट होता है तो वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, कि किसी ने उसकी एक्सपेक्टेड नहीं की होती है, वो भी बोल सकते हैं। आगे देखो, इसमें दिखा हुआ है ए पेलेट हिल स्ट्रोम ऑन संडे। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे लिखी हुई लाइनें हैं, इनमें देखो फ्रेक हेल स्ट्रोम, एकदम से जो तूफान आया था ऑन संडे, स्ट्रक ग्वाडिलाजा, वन ऑफ द मेक्सिका मोस्ट पॉपुलर सिटी, सोकिंग रेजिडेंस एंड ट्रैपिंग व्हीकल इन ए डेल्यूग ऑफ आइस पेलेट। पेलेट मतलब क्या होता है, पेलेट होता है आइस के पेलेट, मतलब छोटे छोटे जो बर्फ़ के इस तरह से गोले थे, जैसे यहाँ ओलावृष्टि में जो गोले पड़ते हैं, तो इस तरह के उसमें जो पत्थर आते हैं, वो छोटे छोटे बर्फ़ के जो गोले होते हैं, उन्हें हम पेलेट कह सकते हैं। या फिर मान लो छोटी छोटी गोलियों को भी पेलेट कह सकते हैं। पेलेट मतलब होता है स्मॉल राउंडेड कंप्रेस्ड मास ऑफ सबस्टेंस, एक छोटे जो एक तरह से गोल हो और जो कंप्रेस्ड, जो एकदम से जिसको दबा के हम कोई चीज़ बनाएं। जैसे मान लो कोई भी बर्फ़ का गोला बनता है, वो एकदम से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण वो बनता है। जैसे अदर के रूप में हम और भी पेलेट उनको भी बोल सकते हैं, जो इस तरह से भी हो, ज़रूरी नहीं वो गोल भी हो, इस तरह की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। देखो, स्वीप अवे, स्वीप अवे का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिसअपीयर क्विकली। अब देखो, ये ओलावृष्टि हुई तो क्या हुआ, लोगों की एकदम से गाड़ियाँ डिसअपीयर होने लग गई, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर ओलावृष्टि हुई कि गाड़ियों को एक तरह से डिसअपीयर कर दिया क्विकली। या स्वीप अवे, स्वीप अवे मतलब टू मेक समथिंग डिसअपीयर क्विकली। आगे देखो, आगे है वर्ड है लूम, LWM, लूम। लूम के दो मतलब निकलते हैं। चलो पहला वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, पहला मीनिंग क्या है। पहला मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ है ना, वो एकदम से इमर्ज होना या एपियर होना। जैसे मान लो एकदम, मान लो यहाँ धुंध सी हो रखी है और आप मान लो यहाँ खड़े हो, या फिर मान लो पूरी रोड पे एकदम से धुंध हो रखी है, फोग सा हो रखा है और आप यहाँ खड़े हो। अब मान लो इधर से कोई गाड़ी आ रही है धीरे धीरे, फिर वो यहाँ पहुँची तो आपको एकदम से वो इमर्ज होने लगी, वो एपियर होने लगी। तो देखो, एक एग्जांपल इसी तरह के से एक एग्जांपल है, व्हीकल्स लूम्ड आउट ऑफ द डार्कनेस। डार्कनेस से जो गाड़ियां थी, जो व्हीकल्स थे, वो एकदम से लूम आउट होने लगे, मतलब वो एपियर होने लगे डार्कनेस में से।
जैसे मान लो बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो कोई चीज़ आपके पास आएगी तो आपको एपियर होगी या इमर्ज होगी वो। एक मतलब ये होता है जो चरखा, जिससे हम एक तरह से जो धागा बनाते हैं जिससे, और जिससे बाद में कपड़े बनते हैं, उस एप्रेंटस को भी हम कहते हैं लूम कहते हैं। अब देखो, अब हम 5 वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, सॉरी उनका टेस्ट लगाएंगे। ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होती है? अस्पष्टता। फ्रेक मतलब जिसके बारे में हमने आशा नहीं की थी वो चीज़ हो जाए, अनएक्सपेक्टेड। पेलेट क्या था? पेलेट का सिनोनिम होता है प्रिल, जो छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े से होते हैं गोल गोल। स्वीप अवे मतलब डिसेपियर हो जाना क्विकली, एंड लूम, लूम का मतलब इमर्ज होना या एपियर होना, सामने आना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।